मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूं। मैं हिप्नोथेरेपी करता हूं। हिप्नोसिस के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैमरिंग करना, सजेशंस देना, और जब हम बार 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 सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो हैमरिंग करते हैं, वो सजेशन हम देते हैं, वो सूचनाएं हम देते हैं, तो उसका परिणाम फिर अपने जीवन में, रोज के जीवन में हमको दिखता है। ये अफर्मेशंस जो है, इसको बोलते हैं अफर्मेशंस, सकारात्मक सूचनाएं, वो हमने अपने आप को देने का है। वो सूचना कौन सी है, मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक कोच के ऊपर लेट सकते हैं, या बेड के ऊपर लेट सकते हैं, आंखें बंद है, एकदम पूरा बदन रिलैक्स है, पूरा बदन रिलैक्स 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 करने का है। दोनों पैर, पेट, कमर, पीठ, दोनों हाथ, जबड़ा, चेहरा, सिर, पूरा बदन रिलैक्स 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 करने का है, आंखें बंद करने का है, और सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है, पॉजिटिव सूचनाएं देना है, सकारात्मक सूचनाएं देना है। और वो सूचनाएं देते देते ज्यादातर बार बार अपना मतलब उसमें विजुअलाइजेशन करने का है, इमेजिनेशन करने का है, अपने आप को देखना है। अभी जैसा मैंने बोला एलिफेंट, तो एलिफेंट बोलने के बाद में आपको क्या ख्याल में आया? साहजिक है, आपको हाथी का चित्र सामने दिखा। मैंने बोला आपको मदर, तो मदर आपने बोला, तो आपको मैंने बोला मदर, तो आपको मदर का चेहरा ख्याल में आया, या मदर का चेहरा सामने दिखा आपको, एम ओ टी एच ई आर, मदर का स्पेलिंग नहीं दिखा। या एलिफेंट, मैंने बोला हाथी, तो हाथी तो ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट ऐसा उसका स्पेलिंग दिखा नहीं, या हाथी यानी ह हाथी ऐसा नहीं दिखा, उसका पिक्चर दिखा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर दिखता है, चेहरा चेहरा मतलब उसका विजुअलाइज होता है, इमेज दिखता है, पिक्चर दिखता है, उसको शब्द नहीं दिखते। तो जब आप सकारात्मक सूचनाएं लेंगे खुद को, तो आपने जितना अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो वो सिचुएशन में, खाली सिचुएशन में अपने आप को विजुअलाइज करना है, और वो विजुअलाइजेशन में अपने आप को देखना है। जैसा आप बोलते हैं कि मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ मैं कैसा दिखूंगा, कैसी बात करूंगा, कैसा शेक हैंड करूंगा, लोगों के सामने कैसा पेश होऊंगा, वो अपने आप को देखना है। और सूचनाएं भी देने की, जैसे अलग 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 मैं सूचनाएं दूंगा, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस है। ये सुबह उठने के बाद में जब आप फ्रेश होते हो तो अपने आप को देना है, रात को सोने के पहले देने का है, जब जब टाइम मिले तब। हम अपने आप से नकारात्मक बात करते रहते, नकारात्मक सूचनाएं अपने आप को देते रहते, अभी उसके बदले सकारात्मक सूचनाएं देना है। हमेशा ख्याल रखो कि जब ये सूचनाएं आप देंगे तब आप एक कमरे में रहेंगे जहां कोई आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं, मोबाइल बंद करो, घर के लोग डिस्टर्ब करेंगे नहीं, आवाज नहीं आएंगी, और जब आप फ्रेश हो सुबह तो जरूर करना, क्योंकि रात में क्या होता है कि थके हुए रहेंगे तो रात को नींद आ जाएगी, तो रात में भी करो मगर सवेरे तो पक्का करना। और बार 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 ये अफर्मेशंस, ये सकारात्मक सूचनाएं अपने आप को देते हैं, और उसके साथ साथ आप विजुअलाइज करते हो, खुद को देखते हो उसमें, तो आपको इसका परिणाम बहुत जल्दी और जरूर मिल जाएगा। आपके संपर्क में आने वाले लोग बहुत ऐसे होंगे कि अपने से वो नकारात्मक बातें करते रहते, सुबह उठने के बाद में रात को सोने तक लोग नकारात्मक ही बातें करते रहते, ये होऊंगा नहीं, ऐसा होऊंगा नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं प्यार नहीं, काफी सारे, और उससे वो असफल होते हैं। आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, आप फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर करो इसकी लिंक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और एक सकारात्मक समाज का निर्माण हम करें। जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।